కర్ణాటకలోని మైలాపురలో ఓ ముస్లిం వ్యక్తి హనుమాన్ ఆలయానికి స్థలం ఇచ్చాడు. బెంగళూరు శివార్లో ఉంది మైలాపుర అనే ఊరు. అక్కడి హనుమాన్ ఆలయం చిన్నదిగా ఉండడంతో భక్తులు ఇబ్బంది పడడం గమనించిన హెచ్ఎంజీ భాషా అనే వ్యక్తి ఆలయం పక్కనే ఉన్న తన ఫ్లాట్ ను ఆలయానికి ఇచ్చేశాడు. ఇప్పుడు అక్కడ ఆలయ నిర్మాణం కూడా మొదలైంది. హెచ్ఎంజీ భాషా సహృదయంతో స్థలం ఇచ్చారని, వీలైనంత త్వరగా ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామంటున్నారు టెంపుల్ ట్రస్టీలు. छोटा मंदिर है वो, छोटा मंदिर रहने से सवा हजारों लोग आते हैं, जाते उसको पूजा करते हैं, उनका जो मजहब है वो करते हैं उधर. हम भी हमारे लैंड को आते जाते देखने के लिए, तब हमारे को लगा ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे मंदिर को. तब हमें सोचा तब हम नहीं बना सकते ना उसको मंदिर को. तब जो उसका कमेटी है, वो मंदिर का कमेटी है, उनको बुला तुम बात की है. देखिए तुम इतना छोटा मंदिर, हजारों आदमी आता है, पूजा करता है, जाता देखता नमस्कार करता उसको राउंड मारता, ये ठीक मेरे को नहीं दिख रहा. तुम्हारे को क्या अच्छा दिख रहा, खराब दिख रहा, मेरे को मालूम नहीं है. ये मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा. तुम अगर मंदिर बनाएंगे तो मैं लैंड तुम्हारे को जितना होना देगा, तुम इसको अच्छा मंदिर बनाओ. हम बोला उसको, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें हमारा पूरा कम्युनिटी पूरा खुश है. जो भी काम है आपके फैमिली वाले, हमारा फैमिली बहुत खुश है. ये जात बात नहीं है, और इन हालांकि हर हिंदू को ही नहीं है, इन हालांकि इनका लैंड कब्रिस्तान के लिए भी दिया है 1 एकड़ लैंड, और मस्जिद भी बनाने के लिए 30-60 साइट दिए हैं, कब्रिस्तान को दिए हैं. आज वो प्रॉपर्टी 7 से 8 करोड़ रुपए है, 7 से 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो है. अभी मंदिर को भी दिए हैं.